हरमन को इतनी बड़ी गलत फहमी में छोड़कर सो पाओगी क्या? मैं कल बात करती हूँ। हाँ प्रीतो जी, आपके काम की खबर है शायद। सोम्या कल हरमन जी से कुछ बात करने वाली है। तो कल बात करने वाली है, करो ना बात। उठ सोम्या, काम पे नहीं जाना क्या? सोने दो उसे, आज उसने काम पे नहीं जाना। वैसे भी सुबह तो आई है। आज काम पर जाऊंगी लेकिन थोड़ी देर से। वैसे सोम्या, वहां ऐसा क्या काम करवाते हैं जो तुझे इतनी सुबह तक रुकना होता है? केयरटेकर ही है ना? मेरा मतलब है कि मालिक जब सो जाता है उसे निहारना भी होता है क्या? कभी जिंदगी में नौकरी की है? नहीं ना, तो दिमाग में भूसा तो भरा ही होगा। अरे अकल की अंधी, इतना तो सोच, अगर मालिक सुबह तक काम करेगा तो बाकी लोगों को भी तो साथ में जगना पड़ेगा ना। सौम्या बेटा, इसकी बात पे ध्यान मत दो, जाओ यहां से। बेटा तुम उठो और उठ के तैयार हो जाओ, फिर आज हरमन के साथ भी बात करनी है ना। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल बच्चे। आज सीए को जीएसटी की फाइल भेजनी, कल से फोन कर रहा है। वो तो मैंने और तराना ने रात देर तक ढूंढी तब जाके मिली। रुकिए मैं डैड को बुलाता हूँ। डैड। हाँ बेटा। अरे नमस्कार नमस्कार। सत श्री अकाल बंसल जी, बैठिए ना प्लीज। तराना दिखाई नहीं दे रही है क्या? आई नहीं अभी तक। डैड रात के 4 बजे तो वो गई है, मैंने ही उसे कहा था कि आराम से आ जाए, आ जाएगी थोड़ी देर। काका सबके लिए चाय बना दो। जी। अदरक और इलायची मिक्स। जी। जैसे तराना बनाती। चाय तो उसे फोन कर लो, उसके हाथ की चाय पीने की आदत सी हो गई। विदन बाबा, वो तराना का नंबर? एक मिनट मैं देता हूँ। 9629-5310। मलिका जी, कल पहली बार हरमन के मुंह से बेवफा शब्द सुना सौम्या के लिए। सच पूछिए तो इस पर मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मलिका जी, हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन रावी, करें तो क्या करें? अगर कुछ बोलने लगते हैं तो हमारा मुंह ये कहकर बंद कर देती है कि आप मेरे और हरमन जी के मामले में मत पड़िए। मलिका जी, कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन दोनों को एक दूसरे की कमी का एहसास हो, पहले जैसे साथ रहने की तड़प हो। आप क्या साथ रहेंगी भाभी? ना गुरु माँ की कुर्सी छोड़ सकती है, ना गुरु माँ होते हुए भैया के साथ रिश्ता निभा सकती है। सारे रास्ते तो उन्होंने खुद ही बंद कर लिए अपने लिए। मेरे पीछे पीछे क्यों आई? हाँ अगर तुझे तेरे भाई की साइड लेनी थी तो घर पे ही रह जाती।
यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हाँ साइड लेने ही आई हूँ, भैया की उनके रिश्ते की, दोनों को मिलवाने का तरीका ढूंढने आई हूँ आपके साथ। एक बार भाभी घर आ जाए ना तो उनसे खुद ही पूछ लूंगी कि वो अपने आप को समझती क्या है। समझती क्या है खुद को? बेवफा के साथ साथ बेरहम भी होती जाती है। उसका दिल दुखा रही जो उससे इतना प्यार करता है। मेरा मतलब करता था, जो भी हो। कूल डाउन काम पे ध्यान दे। ऐसे को दिमाग दिता ना रब ने, थोड़ी देर से भूल जा अपने बाप की बात मानना, थोड़ी देर के लिए भूल जा। तुम सही कह रहे हो अरक सिंह, मुझे क्या, मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। उसे जो करना है करे। गुड बॉय, काम पे ध्यान दो। अभी बोल रहा था मुझे क्या, और जहां सौम्या देखी फिर पीछे चला गया। सुबह 4 बजे तक सिर्फ एक फाइल ढूंढ रही थी तू। रात को वो खिलौने पैक करने थे और उसके बाद एक फाइल थी जो मिल नहीं रही थी। मेरा ब्रेसलेट, अपनी बिंदी और सोहम का पाउडर का डब्बा 1 सेकंड में ढूंढ लेती होती। एक फाइल ढूंढने में तुम्हें 4 बज गए, किसे बेवकूफ सोच रही? हरमन जी प्लीज, आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं आपके पास आ ही रही थी आपको समझाने के लिए। क्या समझाना चाह रही थी? हा? कि वेदांत को तुम्हारा फोन नंबर मुंह जबानी होती, तुम्हारे हाथ की बनी अदरक और इलायची वाली चाय की आदत हो गई उसे, यही समझाना चाह रही थी मुझे। हरमन जी ये मेरा काम है, और किसी को भी किसी का फोन नंबर याद हो सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और मेरे हाथ की चाय तो बहुत लोगों को पसंद है, अब उनको पसंद है, इसमें क्या बुरा है? समझ रहा हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारे काम को भी। सुबह 4 बजे घर जाओ, आराम से 1 बजे काम पे आओ। जब मालिक एक नौकर पे जरूरत से ज्यादा मेहरबान होने लग जाए तो उसके कई मतलब होते। बस हरमन जी बस, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब मत बोलिए। फिलहाल मुझे आप यहाँ से जाने दीजिए। कहीं नहीं जाओगी तुम, पहले मुझे साफ-साफ बताओ चल क्या रहा है। कौन सी बात की सफाई मांगी जा रही है हरमन? मुझे नहीं बताओगे? सीक्रेट है क्या? नहीं वो मैं इसे समझा रहा था कि रात को चाहे जितनी देर हो जाए सुबह काम पे टाइम पे आना चाहिए। नहीं यार हरमन, तुझे इसे देख के लग नहीं रहा ये रात को ढंग से सोई नहीं है, और वो भी मेरी वजह से। मैंने इसे कहा था आज देर से आने के लिए, इतनी इंसानियत है मुझ में। और वैसे भी ये मेरी केयर टेकर है, अगर ये ठीक रहेगी तभी तो मेरी केयर कर पाएगी। सही, मेरे घर से क्या निकली, तरक्की पे तरक्की होती जा रही है तुम्हारी। पहले परम गुरु मां, और अब जिस घर में नौकरानी थी उस घर की महारानी बनने जा रही है। मुझसे रिश्ता खत्म, और यहां हम दर्दी के नए रिश्ते जोड़े जा रहे हैं। सही है गुलाबो, सही है। हम दोनों के बीच में इतनी गलत फहमियां बढ़ गई है कि अब आप मेरी बात सुने बिना ही निकल जाते। आइए बाबा जी। जय महाकाली। मेरा वचन न जाए खाली। जी 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 जल्दी आइए जी जी। ये किसे उठा लाई है तू? अरे जी जी ये बहुत बड़े तांत्रिक है,
नामुमकिन को मुमकिन करना, यू चुटकियों का काम है इनके लिए, है ना बाबा? सत्य वचन, दूध को पानी से अलग कर दूं, गलत को सही, सही को गलत कर दूं, प्यार में धोखा हो, सौतन से छुटकारा पाना हो, रिश्ता जुड़वाना हो या रिश्ता तोड़वाना हो, हर काम पल भर में सिद्ध कर दूं, मेरा वचन न जाए खाली, जय काली कलकत्ते वाले। वाह वाह, देखा देखा ना जी जी, और ये बाबा जी है ना, रिश्ते तोड़वाने में एकदम माहिर है, है ना बाबा जी? 1100 लगेंगे, काम हो जाएगा। बस जी जी, काम हो जाएगा, पैसे दे दीजिए। मैं इस सब में नहीं मानती, जहाँ से ले आई है वहाँ रखा। अरे जी जी, अब आपने सब कुछ तो करके देख लिया ना, ये भी करके देख लेते, हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए, हो सकता है कि सौम्या और हरमन का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। इतनी छोटी सी तो रकम है जी जी, हरमन की जिंदगी से बढ़कर है क्या ये पैसे? बस अभी आ जाएंगे पैसे, ऐसा चमत्कार करो बाबा जी कि रिश्ता ना एक बार टूट जाए तो कभी ना जुड़ पाए। लाइए। वाह, माता रानी की पूजा करने वाली प्रीतो सिंह आज इतनी कमजोर हो गई है कि अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए एक पाखंडी को पैसे खिला रही है। वाह, पाखंडी नहीं हूं बेटी, ईश्वर के आशीर्वाद से सब कार्य सिद्ध करता हूँ। तेरी निराशाजनक बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तू भी कष्ट में है। बोल, क्या कष्ट है तेरा? पति सौतन ले आया है या संतान का सुख नहीं है? चिंता मत कर, एक छोटी सी पूजा होगी और तेरी झोली भर जाएगी। माँ, बाबा जी को बताना कि तेरी बेटी की दो दो बार शादी हुई और दोनों शादी टूट गई, पर आज तक अपनी बेटी का रिश्ता बचाने के लिए तूने तो कभी पंडित या तांत्रिक को नहीं बुलाया, पर आज अपने बेटे का रिश्ता तोड़ने के लिए ये कदम भी उठा लिया। क्या कहना चाहती है तू? तेरे टूटे हुए रिश्तों से हम खुश हैं? ये तो नहीं पता माँ, लेकिन आज ये बात अच्छे से जान गई कि तू दुनिया की पहली माँ होगी जिसने अपनी बेटी का घर बसाने के लिए कुछ भी नहीं किया, पर आज आज अपने बेटे का घर तोड़ने के लिए देखो किस हद तक गिर गई। बेटी हूं इसलिए बद्दुआ नहीं दूंगी, पर माता रानी के कहर से डर मां। बहुत जबान चलने लगी है ना तेरी, कमाल हो रहा है इस घर में, जिसका जो मन करता है आकर सुना देता है, तो चल तू भी सुन ले, मेरा घर ये, मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगी, जिसे अच्छा लगे वो यहाँ रह सकता है और जिसे बुरा लगता है वो यहाँ से जा सकता है। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं बैठी रहूंगी, आज मैं यहीं पे बैठकर अपनी आंखों से अपनी माँ का बदलता हुआ रूप देखूंगी। दे पैसे, करवा पूजा, देखती हूं मैं भी। घर में मर्द नहीं है तो औरतों को देखकर बेवकूफ बनाने चले आए। सुनो, इससे पहले कि मेरा भाई यहाँ आ जाए, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इससे पहले भी एक ढोंगी बाबा हमारे घर आया था, मेरे भाई ने उसे बोरी में बंद करके नदी में फेंक दिया। अब जिंदा है या मर गया इसका कुछ पता नहीं है। सिंधु, बकवास किए जा रही है तू? हाँ बाबा जी, आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा, आप इन सबकी बकवास बातों में मत आइए, आप सिर्फ पूजा करिए बस। नहीं, अभी मैं नहीं कर सकता,
और मुझे तैरना भी नहीं आता। जय खाली कलकत्ता वाली। बाबा जी सुनिए तो कुछ। बहुत अच्छा, आप दोनों से ना यही उम्मीद की जा सकती थी। आप दोनों पूरी कोशिश कीजिए इन दोनों का रिश्ता तोड़ने की, और हम यहाँ मलिका जी के साथ मिलकर पूरी कोशिश करेंगे इन दोनों का रिश्ता बनाए रखने की। देखते हैं जीत किसकी होती है। तराना जी, तुमने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा? किन्नरों के नसीब में शादी नहीं होती है। देख, किन्नर हो तो क्या हुआ, सुंदर हो, बीवी वाले सारे गुण है तुम में। तुम नहीं चाहती कोई तुमसे प्यार करे, शादी करे। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे, जैसे हर मर्द एक औरत के लिए देखता है। इसी मनमानी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। कम से कम एक किन्नर होने का फायदा तो मत उठाओ। क्या फर्क पड़ता है, इंसान जो चाहे उसे हमेशा वो नहीं मिलता है ना। अगर मिल गया तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताओगी? नहीं। ये भी अच्छा है, इसका मतलब पूरी जिंदगी तुम मेरी केयर टेकर बनकर रह सकती हो। मैंने अंकल जी से वादा किया है, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते और अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में नहीं ले लेते, मैं यहीं रहूंगी और आपकी देखभाल करूंगी। तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा तराना। तराना। हाँ जी। मैं बोर हो रहा हूँ, अंताक्षरी खेले? इस वक्त अंताक्षरी मेरे पास बहुत काम है, आप तब तक कुछ किताब वगैरह पढ़ लीजिए। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा। अरे आप सब भी आइए ना, तब मिलकर अंताक्षरी खेलते। मैं यहाँ काम करने आता हूँ, खेलने कूदने नहीं। और ये कोई अंताक्षरी खेलने की उम्र है? अरे हरमन, आज कितने सालों बाद मैंने वेदांत को ऐसे हंसते खाते देखा, और ये सब तराना की वजह से। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। देखो ना, आज मेरा बेटा बिल्कुल 8 साल का बच्चा हो गया है। डैड प्लीज, इतना छोटा भी मत कीजिए कि मैं प्यार इश्क न समझ पाऊं। हरमन, यही तो उम्र है अंताक्षरी खेलने की, इश्क करने की, जीने की। सुन, बैठ और अंताक्षरी खेल हमारे साथ। सर बैठो बैठो बैठो। तराना, तुम भी चेयर लेकर यहीं आ जाओ।
चलो भाई चलो शुरू करो। डैड आप जैसे गाइए। ओके क्या से? अरमन अब तुम्हारी बारी। मुझे गाना नहीं आता। आप लोग खेलिए मुझे बहुत काम है। तराना इस घर में इम्पॉसिबल को पॉसिबल तुम ही कर सकती। गाना गाओ और उसे रोक लो।